मतलब कि उसका एक जो रूट होगा वो उन्हीं दो वैल्यू की जो आपने रखा क्रम से उन्हीं के बीच में लाई करेगा, और बेटा वही ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा अब मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है ना कि हम 1 2 3 रखते जा रहे हैं और वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको 0 तरफ जाएगा नहीं, तब तुरंत वहीं से बैक गियर लगा लीजिएगा आप लोग, -1 रखिएगा, -2 रखिएगा, बस मान रही है ना। तब ऐसे जब बैक गियर लगाएगा तो घटना चालू हो जाएगा, है ना। ये होता है कि भाई सर हम कब माइनस रखें कब क्या रखें, तो यही तरीका होता है। अगर लगातार बढ़ती जा रही है तब, या तो लगातार बढ़ती घटती है जाए, माइनस से स्टार्ट हुआ वो घटता ही जा रहा है तो प्लस की तरफ जाएगा ही नहीं, तो ऐसे कैसे बैक गियर आप लगाएंगे, है ना। और तब जाके आपको क्रम से दो वैल्यू ऐसे मिल जाएंगी जिस पर एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव मिल जाएगा, वही हमारा ए और बी होगा। तो क्वेश्चन जो आपको लिखवाया गया ना, जो आपको स्टेटमेंट सब बिल्कुल वही लिखवाया गया है कि एफ ए और एफ बी में से एक पॉजिटिव हो, अपोजिट साइन पे हो, मतलब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, या एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव, ठीक है ना। एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, वो किस साइन को होना चाहिए, बोला है ना भाई उसमें साफ साफ, ये दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड के साइन के अगर होते हैं तो। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही मिल गया कि भैया मान लो कि 4 और 5 में एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव है, एक पे पॉजिटिव पे निगेटिव, मान लेते हैं कि इस पर निगेटिव मिल गया, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि इस पर निगेटिव मिल गया, इस पर क्या मिल गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि फंक्शन का रूट लाई करेगा इस 4 और 5 के बीच में। ये बहुत कुछ समझाना घोड़ाइए मत आप लोग, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये मालूम हो जाएगा तुरंत आप एक्स नॉट निकालेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे आप, बस ना रही है, क्या निकालेंगे एक्स नॉट और दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, यही तो बाइसेक्शन है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। और जैसे ही आपको ये मिलेगा एक्स नॉट की वैल्यू, आप निकालेंगे एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट अगर ये 0 आ गया इसका मतलब तो यही रूट हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं आया तब ये देखेंगे कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, 0 नहीं आया तो मतलब या तो पॉजिटिव आया होगा तो नेगेटिव आया होगा, अरे पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, मान लो ये पॉजिटिव आया और ये भी मान लो कि ये नेगेटिव आया, दो चीज समझ लीजिए एक बार। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आया, बेटा ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर 4.5 पर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो रूट जो है तब 4.5 और 5 के बीच में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तो इस पर भी पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव और 4.5 पे भी पॉजिटिव और 5 पे भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में नहीं होगा रूट, रूट किसके बीच में होगा, 4 और 4.5 के बीच में होगा, क्योंकि 4 पे निगेटिव है 4.5 पे क्या है, अभी तो क्या था, अभी था कि हाँ रूट, देखो समझिए मेरी बात, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमारे पास यह था कि हमारा रूट इनके बीच में है, अब यह कंफर्म हुआ कि नहीं भैया इनके बीच में तो नहीं है, इतना पार्ट खत्म हुआ, अब यह कंफर्म हुआ कि हमारा रूट अब इसके बीच में है, तो रूट के क्लोज जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, अब यह था कि भाई हमको किसी को खोजना है वो यहां से वहां दीवार कहीं बीच में है ना, तो भाई अगर मोटा मोटा देखा है तो हम उस रूट से दूर है, लेकिन ये बोला नहीं जो बीच में अभी है ना बाउंड्री बनी हुई है इसी के बीच में है, इसका मतलब ये होता है कि यार बहुत दूर नहीं है हम लोग, है ना, हम लोग बहुत दूर नहीं है रूट के, यहीं कहीं बीच में कहीं है तो कहीं पकड़ लेंगे आसानी से हम लोग, वही सिस्टम होता है, बात समझ आ रही ना। अब अगर ध्यान से समझने वाली बात, देखो ध्यान से, इस पर है रहा निगेटिव ना, हमने बोला कि इस पर क्या आ रहा पॉजिटिव, इस पर भी रहा पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अब रूट इस 4.5 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये कन्फर्म हो गया, फिर तुरंत आप 4 और 4.5 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, प्रोसेस समझिए एक बार समझे बस खत्म कहानी, जब भाग देंगे आप तो 8.5 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 चौके 8 7 5 4.25 मालूम करिए 4.25 ना 4.25 आ गया, कितना आ गया बेटा। अब इस 4.25 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव आ गया तब रूट इसके बीच में लाई नहीं करेगा, रूट इसके बीच में लाई करेगा, अगर ये निगेटिव आता तो रूट इसके बीच में लाई करता, इसके बीच में लाई नहीं करता, तो मान लो ये पॉजिटिव आ गया, 0 भी नहीं है पॉजिटिव आ गया तो रूट इसके बीच में लाई नहीं करेगा, अब इसके बीच में लाई करेगा, तो देखो अब हम और रूट के क्लोज जा रहे हैं ना,
यही यही प्रोसेस दोहराते जाएंगे हम, और हम रूट के क्लोज होते चले जाएंगे, है ना। और देखिएगा इसे, और हर बार जब आप एक्स नॉट निकाल रहे हैं एक्स वन इसे, अब अगली बार जब निकालेंगे उसको बोलेंगे एक्स वन नाम देंगे, फिर निकालेंगे एक्स टू नाम देंगे, और जब हर बार निकालने के बाद आप तुरंत उस पर फंक्शन की वैल्यू भी देख रहे हैं, जब जीरो नहीं आ रहा तब आप फिर जोड़कर दो से भाग दे रहे हैं, तो ये प्रोसेस आप चलते जाएंगे ना, वो कभी जीरो इवन नहीं करेगा। हाँ, ऐसे चलते जाएंगे, है ना, जैसे थक जाएंगे बोलेंगे आंसर। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते जाओगे, मेरी बात समझेगा, जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते जाओगे आप रूट के क्लोज हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आप रूट के क्लोज होते जाओगे। अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि यहाँ से हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालते, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। बात सुनाएंगे, हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिएगा कि भाई एक्स के किस वैल्यू, जो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू आ रहा है ना, उसके किस वैल्यू पर जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो नहीं आ रहा, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन जीरो के टेंड कर रहा है, जीरो के बहुत पास है, वहीं पे जाकर रुक जाएंगे, वहीं कुछ स्टेप बाद क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो जिसको जहां पे थकान महसूस हो, पांच स्टेप बाद थकान महसूस हो, रोक के आंसर लिख देंगे वहीं पे, उसको भी नंबर मिलेगा। छह स्टेप बाद थकान महसूस होगा, वहीं पे रोक के आंसर लिख देंगे, उसको भी नंबर मिलेगा। बस हमारी नहीं आ रही है, बोलो भाई, क्योंकि वही बात है भाई, जितना ज्यादा स्टेप बढ़ाएंगे आप रूट को उतना ज्यादा क्लोज जाएंगे, बस यही बातें हैं। हाँ, कभी कभी यह हो जाता है कि पूछ लेता है कि भाई दशमलव के या बोलेगा जो आपका रूट होना चाहिए वो यहाँ तक सही होना चाहिए, मतलब ठीक है, एग्जैक्ट रूट मान लीजिए ऐसा है, एग्जैक्ट रूट मान लीजिए यह है 3.175678 मान लीजिए, यह एग्जैक्ट रूट है उस इक्वेशन का, यह एग्जैक्ट रूट है, है ना। और उसने बोल दिया कि नहीं आप रूट फाइंड कीजिए, ये तो कन्फर्म है कि आप एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन आप दशमलव के तीन स्थान तक सही सही फाइंड कीजिए, तब इसे निकालते जाइए, और जैसे ही एक्स की कोई वैल्यू 3.175 आया, आगे कुछ आया अपने आप, वहीं रुक के आंसर, ये इसे कहने का मतलब होता है। बस ना रही है ना, यही प्रोसेस है, यही तरीका है, और जहाँ एक आध दो क्वेश्चन करेंगे ना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, और ऐसे ही लगभग आप सब में करेंगे। हाँ, कुछ कुछ में कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, कुछ स्टेप कुछ चेंज होते हैं, बट मेन जो कंसेप्ट है वो यही ऐसे ही चलता है, यही तरीका चलता है कि आप ए और बी रखेंगे, देखेंगे कौन क्लोज है, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, एक लगभग सब में चलेगा। बस समझ आ रही है, कुछ समझ में आया आप लोगों को, है ना। चलिए बाइसेक्शन मेथड पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, बोले लिखे तब आप लोग लिखिए, फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 बाई बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, बाई बाइसेक्शन मेथड, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर बेटा जब इसको सॉल्व करने आप जाओगे, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यही है हमारे पास इक्वेशन, है ना, यही इक्वेशन है। अब क्या करेंगे आप एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 रखते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाए कोई समस्या नहीं होगी। 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस का 3 माइनस का 5 मीन्स माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस का 7, और बेटा 2 रखेंगे मिलेगा 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 5, 8 माइनस का 11 माइनस का 3, क्लियर है, माइनस का 3, और जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 27 माइनस का 9 माइनस का 5 14 प्लस का 13, क्लियर है। तो ये निगेटिव, लेकिन ये निगेटिव और फिर ये आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब जो रूट है 10 रूट ऑफ इक्वेशन लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3, क्लियर है,
अब कुछ और अनुभव देखिए, देखिए यहाँ पे टू और थ्री के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं फिर आपसे पूछूं कि टू और थ्री के बीच में लाई तो कर रहा है लेकिन किसके पास होगा, इतने ही कैलकुलेशन से बताना हो कि रूट दो और तीन के बीच में है लेकिन किसके नजदीक होगा, दो के तीन के, बताइए। ये बोर्ड पे वो चीजें हैं अवेलेबल जिसको देख के हम बता सकते हैं कि रूट दो के ही नजदीक होगा कि तीन के, भाई दो तीन के बीच में है, दो के। क्यों, कैसे पता? क्योंकि देखो जीरो के नजदीक कौन है, क्योंकि जो रूट होता है उसको रखने पे रिजल्ट जीरो मिलता है, जीरो किसी पे नहीं मिला ना दो पे ना तीन पे, लेकिन कौन जीरो के क्लोज है तो माइनस थ्री है ना, यह जीरो के क्लोज है इसके 13 के कंपेरिजन में, वो भी ज्यादा क्लोज है, देख रहे हैं ना, ये तीन है तेरह है, ये तीन तेरह है ना, माइनस तीन और प्लस का 13 है ना, तो काफी अंतर, कम से कम तीन गुना चार गुना का अंतर पड़ रहा है, असल में आ रही है तो रूट टू के आसपास होगा। अब बता दें आप लोगों को, कभी कभी जैसे क्या होता है कि यह होता है कि नहीं, मान लीजिए एक कंपटीशन हो गया, छिड़ गया आप लोगों के बीच में, ये देखते हैं रिजल्ट तो एक बार करेगा, ये देखते हैं कि कौन एग्जैक्ट रूट के बहुत क्लोज लेके चला जाता है कम समय के अंदर। मान लीजिए मैं आपको 10 मिनट का समय दिया, मैं बोला कि सब लोग इसको सॉल्व करके रूट निकालो, सब लोग सॉल्व करके रूट निकालो और देखते हैं कौन जल्दी निकालता है और वो भी रिजल्ट के जो एक्यूरेट रिजल्ट है उसके सबसे क्लोज तक कौन पहुंच जाता है 10 मिनट के अंदर। तो उसका तरीका यह होता है कि अगर ये काम करना है कि आपको आपको अधिक से अधिक क्लोज जाना है रूट के ना, मालूम क्या करना होता है, देखो तब यहीं से काम करना होता है कि यहीं से हम देखते हैं दो और तीन के नजदीक है ना, तो हम क्या करते हैं 2.1 रखेंगे, 2.2 रखेंगे, 2.3 रखेंगे, 2.4 रखेंगे, बस हमारी है अगर दो के नजदीक है ना तो इसे इसको देख के लग रहा है कि जो रूट होगा हमारा वो 2.3 2.4 के अप्रॉक्स होगा ऐसा कुछ, तो आप 2.2 रख लीजिए, 2.3 रख लीजिए, 2.4 रख लीजिए, आप पक्का देखेंगे कि इसी में से किसी दो पर पॉजिटिव नेगेटिव फिर मिल जाएगा, बस नहीं ना, इसी में से किसी दो पर पॉजिटिव नेगेटिव फिर मिल जाएगा। और मान लीजिए 2.2 पे नेगेटिव और 2.3 पे पॉजिटिव मिल गया, तुरंत आप फिर ये बोलेंगे कि रूट जो है वह 2.2 और 2.3 के बीच में लाई कर रहा है और इसको ए बी मान लीजिएगा, तो पहले से ही आप बहुत क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अब जब इसे जैसे बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे तो बाइसेक्शन मेथड लगाने पे कोई बच्चा यहीं से स्टार्ट कर गया, यहीं से स्टार्ट कर गया तो जब चला अपने नियम को लेकर तो दो और तीन के बीच में एक मान के चला कि रूट हमारा है, और कोई बच्चा एक कदम आगे सुन के चल दिया रूट हमारा 2.2 और 2.3 के बीच में है वो लेके चल दिया, पहले कौन पहुंचेगा, वही पहुंचेगा, तो कम समय के अंदर जल्दी रूट के पास पहुंचना है तो एक आध स्टेप पहले से बढ़ा लेंगे अगर आप, तो आप रूट के नजदीक जल्दी पहुंच जाएंगे, बस समझ आ रही है ना, तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन ऐसा तब के लिए जब ऐसा कुछ कंपटीशन या कुछ बातें हों तब है ना, और एग्जाम में आप किसी चाहे वैसे भी कर सकते हैं पहले से ही क्लोज हो जाए, या तो आप जो है जो आया है उसी पे कंटिन्यू कर जाए, तो एग्जाम में मेन ये होता है ना कि एग्जाम एग्जामिनर जो जो भी आपकी कॉपी चेक करता है वो आपका प्रोसेस ही देखना चाहता है ना, तो बस चार पांच प्रोसेस आप दिखा दीजिए है ना, बहुत वहाँ पे एक्यूरेसी वाली बात नहीं रहती है, हाँ लेकिन आप पर रहना चाहिए कि आप लगभग पहुंच जाए वहां तक। चलो मैं मान लिया, तो देन ध्यान दो ए इज इक्वल टू मैंने बोल दिया 2 और बी इज इक्वल टू क्या बोल दिया मैंने 3, बस ध्यान समझिएगा यहाँ पे ये कंफर्म होगा कि 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है, इसलिए मैंने ए का नाम दे मतलब 2 को ए बोल दिया और 3 को मैंने बी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या होता है, तुरंत आप निकालेंगे एक्स नॉट, इसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, पहला अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट रूट एक्स नॉट एक्स जीरो तो ए प्लस बी वाई टू, ए प्लस बी वाई, ध्यान से समझने की कोशिश, 2.5 क्या एक्स नॉट को क्या मिल गई, अब हम लिखेंगे एफ एक्स नॉट मतलब एफ 2.5। अब बेटा आप लोग बताइए रख के 2.5 का मान जब यहाँ एक्स के स्थान पे 2.5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए मुझे जल्दी से आपको, चलिए स्टार्ट करिए। तुरंत तुरंत बताइए आप लोग, उतारने के चक्कर में ना पड़े
हम जो बोले आप वही करके बताएं, इन्हें यहाँ से लिखा चालू करते हैं कुछ लोग। मैं भी जो बोला पहले उसको करके बताएं आप लोग। 2.5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 2.5 माइनस का 5, रिजल्ट कितना जाएगा? 3.125। आगे बेटा इतना ही ध्यान दीजिए आप। चलिए जब हो गया तो छोड़िए आप, आगे बढ़िए। यहाँ आइए, क्या और वेरीफाई कर लिए ना? बराबर ए आ गया। अब ये क्या है? अब रुक जाओ एकदम, समझने की कोशिश करो, बता दे रहे हैं, समझ जाए, कुछ है ये नहीं है, नाटक खाली इसमें। ये पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? ध्यान दो बेटा, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 2.5 पे पॉजिटिव आ गया। तो आप बताओ रूट किसके बीच में लाई करेगा? 2 और 2.5 के बीच में, या 2.5 3 के बीच में? रूट देखो, ये तो कंफर्म रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। जब हमने 2.5 निकाला तो पॉजिटिव आ गया। तो अब बताइए कि रूट 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा कि 3 और 2.5 के बीच में? तो 2 पे आया था नेगेटिव और 2.5 पे पॉजिटिव, और 3 पे भी पॉजिटिव। तो 2.5 पे भी पॉजिटिव, 3 पे भी पॉजिटिव, इसका मतलब उसके बीच में नहीं लाई करेगा। लाई उसके ही बीच में करेगा जो अपोजिट हो साइन में। तो 2 पर हमें हमारा नेगेटिव और 2.5 पे पॉजिटिव। तो अब लिखेंगे रूट लाइज इन बिटवीन 2 and 2.5। अब फिर जोड़ के 2 से भाग, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेट रूट, मतलब मैंने इसका नाम दे दिया x1। क्या नाम दे दिया? x1। x1 इज इक्वल टू क्या? 2 plus 2.5 by 2, मतलब 4.5 by 2, मतलब 2.25। क्लियर है? अब आप बताइए मुझे कि f 2.25 कितना होगा? बताओ fx1 मतलब f 2.25 कितना होगा? अब x के स्थान क्या रखेंगे? 2.25। तो 2.25 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2.5 माइनस का 5, बताइए रिजल्ट कितना आया? माइनस 0.3 ऐसा कुछ आ गया है ना। तो ये आ गया क्या? निगेटिव। ध्यान देना बेटा, अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब यहां से मिला था रूट की, रूट हमारा 2 और 2.5 के बीच में है। अब हमने 2.25 पे निकाला तो निगेटिव। तो 2 पे पहले क्या है? निगेटिव। 2 पे क्या है? निगेटिव। और 2.25 पे भी क्या है? निगेटिव। इसका मतलब रूट 2 और 2.25 के बीच में नहीं लाई करेगा। और 2.5 पे क्या है? पॉजिटिव। 3 पे मत जाओ, 3 वाला कहानी खत्म हो चुका है। मेरी बात समझो, अगर आपको दिक्कत होता है ऐसे बना के, या 2 है या 3 है, तो पहले 2.5 आया, मेरी बात ध्यान समझिएगा, पहले 2.5 आया तो एक पहले कैंसिल हो चुका है, अब इसके बीच में आ गया। और हमने देखा 2 पे क्या आया था? पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। 2 पे क्या है? निगेटिव। और 2.25 पे भी क्या आ गया? निगेटिव। तो रूट इसके बीच में भी लाई नहीं करेगा। अब बचा कौन? यही दोनों ना बचे, इस पर निगेटिव, इस पर क्या है? पॉजिटिव। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे यहां पे आए, अब बोलेंगे रूट लाइज इन बिटवीन 2.25 and 2.5। क्लियर है ना? ऐसे आप बना के भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से, है ना। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट, ये तीसरा स्टेप चल रहा है हम लोग, 4-5 स्टेप चलेंगे ऐसे ही, ये तो थक नहीं जाते। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट तो क्या हो जाएगा? x2 बराबर 2.25 प्लस का 2.5 बाई 2, ऐड करेंगे 4.75 बाई 2, डिवाइड करेंगे 2.375। बेटा यही ना होगा? अब क्या निकालेंगे? f x2, f 2.375, बताओ कितना है? अब x के स्थान रखेंगे 2.375 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 2 इंटू 375 माइनस का 5,
क्या हो गया? वेरी गुड, लेकिन अच्छे बच्चे हैं। क्या आ गया बेटा प्लस में? 1.271 ऐसा कुछ आया है ना। मेन है कि क्या आया, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये मेन है। देखो बेटा इसी के बीच में है 2.375 है ना, तो 2.25 पे क्या आया था? नेगेटिव। 2.375 पे क्या आया? पॉजिटिव। और 2.5 पे भी क्या है? पॉजिटिव। बट देखो यहाँ पे निकला हुआ है पॉजिटिव, मतलब अब इसके बीच में लाई नहीं करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? 2.25। क्यों? क्योंकि 2.25 पे क्या है हमारा? नेगेटिव है। और 2.375 पे क्या है? पॉजिटिव। तो अब रूट लाइज इन बिटवीन, लाइज इन बिटवीन 2.25 एंड 2.375। क्लियर है? नाउ द फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट। ये देखो ये कुछ है नहीं, कैलकुलेटर से करना है, 5 नंबर 10 नंबर लेना है, तो इतना नहीं करेंगे आप। न्यूमेरिकल में समय बचता है, याद रखिएगा, घंटा भर का समय बचेगा, 2 घंटे का पेपर होता है मैक्सिमम, ईयर आसानी से समय बचता है। लेकिन वही चीजें हैं कि नियम क्लियर हो, बस कैलकुलेशन आराम से धैर्य के साथ एकदम कूल होकर करेंगे, तब आप है ना सही कर लेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, अप्रोक्सीमेट रूट, ध्यान पढ़ाई को, गर्मी बिना हो तो आप सफल रहेंगे। फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, तो एक्स थ्री बराबर, अब दोनों को जोड़िए, 2.25 प्लस का 2.375 बाई 2, ऐड करो कितना आएगा? 5। जोड़ने नहीं आ रहा है क्या? 2 आ जाएगा, 2 6 4 2, ये ना 2 3 1 2 5 ये आ गया है ना, 2.3125। अब आप निकालेंगे एफ 2.3125, 4.3644 है ना, मतलब आ गया पॉजिटिव। अब बताओ ये 2.3125 इसी के बीच में है ना, 2.25 पे क्या आया था? नेगेटिव। और 2.3125 पे क्या आ गया? पॉजिटिव, मतलब रूट इसके बीच में लाई नहीं करेगा, रूट अब इसके बीच में लाएगा। किसके बीच में? रूट लाइज इन बिटवीन 2.25 एंड 2.3125 ये ना। तो चलिए जब इतना निकलेगा तो कम और कर लेते हैं। फिफ्थ अप्रोक्सीमेट रूट, बस हो गया, थक गए हम भी। अप्रोक्सीमेट रूट, तो एक्स फोर इज इक्वल, दोनों जोड़ दीजिए, 2.25 प्लस का 2.3125 बाई 2 है ना, जोड़ दीजिए कितना आएगा है ना, तो 2.5 तो आईवे करेगा, 2.5 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 डिवाइड करेंगे 2 2 8 1 2 5, थक गए, आंसर है ना। अब ऐसे बड़ा आप निकाल के देखोगे ना तो अप्रोक्स जाएगा है ना 10 to 0, जैसे इस पर निकालोगे एफ 2.28125 10 to 0 जाएगा आपका है ना, जीरो नहीं आएगा, 10 to 0 जाएगा। अब जैसे पढ़ोगे ना रूट के क्लोजर ही आओगे आप, राशन आ रही है। चलिए यहाँ तक हो गया, जगह भी खत्म हो गया, हम इसको आंसर बोल दीजिए, नोट कर लीजिए, आसान है बेटा। अब रेडी करिए, न्यूटन रॉप्सन मेथड, न्यूटन रॉप्सन मेथड, REPHSON, न्यूटन रॉप्सन मेथड, न्यूटन रॉप्सन मेथड। देखिए इसमें आप लोग देखिएगा, लेट न्यूटन रॉप्सन मेथड में लिखिएगा, लेट x0 x0
डिनोट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिनोट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन डिजायर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन fx is equal to 0 and let small h be the correction which must be applied to x naught to get the exact value of the root. Then x0 + h is the root of the equation. Then x0 + h is the root of the equation fx = 0. x0 + h is root of the equation fx = 0. हो गया. Then therefore fx0 + h = 0. समझिए बेटा आप क्या कर रहा है. वो कह रहा है कि अगर fx = 0 कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं कि उसका एक रूट है x 0. क्या है रूट उसका? वो आपका अप्रोक्सीमेट रूट है. कैसा रूट है? अप्रोक्सीमेट रूट है. क्या x 0 इसका अप्रोक्सीमेट रूट है? एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट रूट है. फिर h क्या है? उसमें करेक्शन है. मतलब कि वह अप्रोक्सीमेट तो हमने किया, लेकिन जब हम रूट के एग्जैक्ट रूट के नजदीक जा रहे हैं तो उसमें एच हमें ऐड करना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ रहा है. तो एच करेक्शन है. करेक्शन करने के बाद नया रूट हमको मिला x0 + h. ये नया रूट है. तो अगर ये इसको रूट मानेंगे तो इसको भी रखेंगे x के स्थान पर तो सेटिस्फाई करेगा, है ना. इसका एक्सपेंशन कर देते हैं बाई टेलर्स थियरम. एक्सपॉन्डिंग इट बाई टेलर्स थियरम x0 + h = fx0 + h x0 + h²/2 (2) (x³/3) 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 सिंस जो h है, h इज वेरी स्मॉल, हेंस नेग्लेक्ट the term h square term containing h²/h³.. मतलब h square जितने term को क्या कर देंगे हम लोग, neglect कर देंगे. Then तब क्या होगा? चूंकि fx0 + h = 0 है, then fx0 + h f′x0 = 0 हो जाएगा. यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी माइनस की fx0 / f′x0. ये मिल जाएगी h की वैल्यू, ये मिल जाएगी h की वैल्यू. देन x1 क्या हो जाएगा? देन x1 = वही x0 + h. तो x0 और h की वैल्यू माइनस का fx0 / f′x0. सिमिलरली ऐसे अगर हम बढ़ाते जाए सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, ऐसे बढ़ाते करेक्शन करते जाए तो x2 जो होगा, है ना, x2 वो हो जाएगा आपका x1 माइनस का fx1 / f′x1. और ऐसे कंटिन्यू कर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा xn + 1 (xn - 1) (xn - 1) (xn - fxn / f′xn. ठीक है. तो ये जो फार्मूला है ये न्यूटन रैप्सन का फार्मूला रहेगा. नोट कर लीजिए, xn + 1 (xn - fxn / f′xn). इसी पे क्वेश्चन आएंगे न्यूटन रैप्सन का. क्वेश्चन है बेटा, फाइंड रूट 12
ऐसे कड़ी में दो ऐसे नहीं बारह रूट ट्वेल्व ठीक है रूट ट्वेल्व बाई न्यूटन रैप्सन मेथड बाई न्यूटन रॉप्सन मेथड आपको रूट ट्वेल्व की वैल्यू निकालनी है वो भी किससे न्यूटन रॉप्सन मेथड से ठीक है तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बोलेगा फाइंड क्यूब रूट बाई न्यूटन रॉप्सन मेथड है ना स्क्वायर रूट ऐसे इस तरीके से तो अब क्या करें बहुत सिंपल बैठा यहाँ पे x is equal to root 12 है then x square is equal to 12 and x square minus का 12 is equal to 0 means fx is equal to x square minus का 12 is equal to 0 ये बात समझ में आ रही है ना तो ऐसे अगर मान ली कुछ आपसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ पूछता है तो ऐसे करके इक्वेशन बना लेंगे आप या इक्वेशन दे दे डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन दे देगा ऐसे या तो फिर ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन में तो दोनों चीजें मैंने एक साथ कर लिया है ना उससे इक्वेशन था फिर आपको अलग से समझना पड़ता कि ये भी होता है ऐसा अब इसे दोनों चीज समझ लीजिए अब ये आ गया अब देखो इसमें करना क्या होता है ध्यान दीजिएगा इसमें जो आपने जो प्रोसेस लिखा है उसमें आपने माना है लेट एक्स नॉट इज एन अप्रोक्सीमेट रूट एक्स नॉट क्या है ये अप्रोक्सीमेट रूट ये आपने बोला है इसका मतलब इसमें ए और बी नहीं फाइंड करना है इसमें ए और बी नहीं फाइंड करना है इसमें आपको एक रूट अपने से अप्रोक्सीमेट करना है मानना है कि इसका यह रूट एक यह होगा दो होगा तीन होगा ऐसा कुछ लेकिन हाँ वो चीज करने के लिए कहानी वही कहानी होगी वन टू थ्री सब रखते जाना है आपको है ना और फिर देखना है किसके क्लोज है उसी के अकॉर्डिंग हम एक्स नॉट की वैल्यू क्या कर लेंगे कंसीडर कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एफ वन निकालता हूँ कितना आएगा वन माइनस का ट्वेल्व मतलब माइनस का इलेवन एफ टू निकालिए फोर माइनस का ट्वेल्व माइनस का एट एफ थ्री निकालिए 9 माइनस का 12 माइनस का 3 या 4 निकालिए 16 माइनस का 12 इज इक्वल टू 4 तो एक बार तो कंफर्म होगा कि रूट हमारा जो होगा वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा जिसमें से 3 के थोड़ा ज्यादा क्लोज होगा है ना 3 के कुछ ज्यादा क्लोज होगा कुछ ज्यादा नहीं कुछ है क्लोज होगा क्योंकि माइनस 3 4 अगर मैं देखूं रियल लाइन पर यह 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या माइनस वन या माइनस टू या माइनस थ्री है ना तो बस यही एक स्टेप वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा बस इतना ही बात है इसका मतलब जो रूट आएगा हाँ ये तो कन्फर्म जो रूट होगा वो थ्री के नज़दीक होगा है ना और फोर से दूर होगा थ्री के नज़दीक होगा तो थ्री के नज़दीक होगा तो हमको लगता है समथिंग है ना थ्री के नज़दीक की बात की जाए तो 3.5 तो एकदम मिडल हो गया थ्री के नज़दीक कर देना है समथिंग 3.7 के आसपास